राधा जी, राम राम होता से अभी सब लोग आशा करते हुए अच्छे हो गए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ काचरी की सब्जी। ये देखो भाई, मैं काचरी की काचरी ले ली है, गांव से लाए हुए हैं, देसी काचरी है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार हो गई, और ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और पूरी वीडियो में बने रहना। तो चलो भाई मैं शुरू करती हूँ। देखो भाई मैं इस तरीके से इसको छील लूँगी, इसका छिलका अलग कर दूंगी, और ये भी पतला छिलका होता है, धीरे धीरे छीलना हल्के हाथ से, और बिल्कुल आसानी से उतर जाएगा। तो ये देखो भाई मैंने छिलका अलग कर दिया है, छीलने के बाद इस तरीके से दिखेंगे। ये छिलका अलग कर दिया है, और भी मैं इसको सारियों को छील के और फिर इसको कट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो भाई मैंने इन कचरियों को छील के और ऐसे गोल गोल कट कर लिए, सारी कचरियों को छील के अलग कर दिए। और भी एक जरूरी बात है, सब्जी सौंपने से पहले इन कचरियों को चक जरूर लेना, जल्दी काटो, इसमें खट वो खारी भी निकल सकती है। तो अभी मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दिया है, और इसमें तेल डाल लूंगी 2 चम्मच, छोटी स्पून, छोटी वाली 2 चम्मच। ये देखो भाई ये तेल डाल लिया मैंने इसमें, और ये मसाला डाल लूंगी इसके अंदर, ये 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है, ये हल्दी पाउडर, धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी क्योंकि इससे थोड़ी गाढ़ी तरी हो जाए है, धनिया थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए स्वाद के लिए, और नमक अपना स्वाद अनुसार अपना नमक डाल लेना भैया। और ज़्यादा मसाला वसाला नहीं डालूंगी, सिंपल तरीके से बनाऊंगी, देसी तरीके से, जमा सिंपल आसान तरीके से। और यह भी मैंने अदरक लहसुन को पेस्ट बना लिया, यह भी इसी के अंदर डाल दूंगी कूट के। और इसमें ये देखो भी मैंने पानी डाल दिया, थोड़ी देर भीग जाएगा मसाला, फूल जाएगा तो बहुत ही अच्छे टेस्ट आएगा, गाढ़ी तरी हो जाएगी। जितना यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया, इतना मैं जीरा वीरा डाल लेती हूँ, इतना मसाला भीग जाएगा मेरा। तो ये इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, और ये थोड़ी मेथी डालूंगी, मेथी दाना, थोड़ी सी सौंफ डाल देती हूँ, और यहाँ पर मैंने थोड़ी डाल दी कलौंजी। तो अभी मेरे जीरा ये पक गया, इसके अंदर मैं ये डाल दूँ जो मसाला मैंने डाला था भिगया हुआ, और ये देखो भाई मसाला डालने के बाद और लहसुन की अदरक की अलग से खुशबू अलग से आ रही है, इतनी अच्छी मतलब आसान तरीके से और सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा पका लेती हूँ कम गैस करके 5 मिनट के लिए। ये देखो भाई मेरा मसाला यहाँ पे पक के तैयार हो गया, ये देखो तेल छोड़ दिया, तेल अलग हो गया, मसाला अलग हो गया। इस स्टेज पर हम डाल देंगे जो हमने कचरी कट करी थी, वो बिल्कुल पक गया है, देखो दिखा रहा है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और कलर भी देख बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर अब मैं डाल देती हूँ कचरी जो मैंने काटी थी वो, और आपको ये कचरी एक बार काटते समय चख जरूर लेना, क्योंकि इसमें खट्टी एक कचरी भी खट वो खारी निकल जाएगी तो सारी सब्जी खराब हो जाएगी, सारी मेहनत बर्बाद जाएगी। ये देखो भाई अलग ही टेस्ट लग रहा है, और भी आपको लगेगी थोड़ा पानी कम है तो पानी और डाल देना, मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा पानी कम है। तो ये मिक्स कर दिया मैंने यहाँ पर, और ये थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ भाई, मुझे लग रहा है कि थोड़ा पानी कम है क्योंकि ये हमारी कचरी पकेंगी, और भी ज़्यादा नहीं पकाना इसको, 5 मिनट के पर कम गैस करके और 5 मिनट पका लेना, नहीं तो ज़्यादा गल जाएंगी तो ये सारी घुल जाएंगी, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा, फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको बंद करके थोड़ी देर 5 मिनट पका लेती हूँ इसको कम गैस करके, और उसके बाद आगे दिखाऊंगी आपको। तो ये देखो भाई यहाँ पर ये मेरी सब्जी पक चुकी है, ये देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है, तेल अलग हो गया छोड़ के। और इस स्टेज पर मैं यहाँ पर डालूंगी गुड़ इसलिए डालूंगी क्योंकि थोड़ी खट्टी मीठी सब्जी बहुत टेस्ट अच्छी हो जाएगी, आप चीनी भी डाल सकते हो, गुड़ नहीं हो तो आपके पास ऑप्शन आई है। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया गुड़ तोड़ के, और 1 मिनट के लिए पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं कि ये हमारा गुड़ मिक्स हो जाए इतनी देर के लिए, उसे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि ये ज़्यादा गल जाएगी, उसके बाद मेरी सब्जी बनके हो जाएगी तैयार। तो ये देखो भाई यहाँ पर मेरी
सब्जी पक के तैयार हो चुकी है, गुड़ भी मिक्स हो चुके हैं यहाँ पर। मैं ये देखो इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा पकाएंगे नहीं इसको, बिल्कुल मिक्स हो गया गुड़। और यहाँ पर कर दिया मैंने गैस बंद, तो ये सब्जी बहुत ही अच्छे तरीके से आसान। तो इसमें मैं देखो भी मैंने कुछ ज़्यादा लहसुन प्याज व्याज कुछ नहीं डाला, टमाटर वमाटर कोई यूज नहीं करा, मैंने थोड़ा सा लहसुन प्याज डाला है और सिंपल मसाला डाला है, और बिल्कुल आसान तरीके से बन के ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बस 5-7 मिनट लग गए, बन के तैयार हो गई है। और आप एक बार ज़रूर ट्राई करना बना के, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और भी मेरी रेसिपी कैसी लगी आप बताना। तो चलो जी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय श्री राम सभी को। और वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।